अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की कैपकट की न्यू टेम्पलेट अगर आप अपने पिक्चर्स पर या वीडियो पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने टेम्पलेट को यूज़ करना है और कैसे आपने एडिटिंग करनी है। तो जैसे कि वीडियो एडिट करने के लिए हमें कैपकट ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। कैपकट ऐप में आ जाना है, बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में जाके यहाँ से आपने वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने डाउनलोड की है। तो मैं यहाँ से एक वीडियो ऐड कर देता हूँ, वही वाली जो हमने डाउनलोड। तो जैसे कि मैं वीडियो सेलेक्ट करके लेके आया हूँ, यहाँ आपने ये देखें कुछ इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, आपने अपने वाइट कस्टर लाइन वहाँ तक लेके आनी है जहाँ पिक्चर शुरू हो रही है, वहाँ तक लेके आनी है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद बाकी हिस्से को आपने नीचे से डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको लास्ट में कैपकट का वाटर मार्क मिल जाएगा, इसे भी सेलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट में प्लस का आइकॉन मिल जाएगा, यहाँ आपने क्लिक करना है और अपनी 10 पिक्चर को ऐड कर देना है। तो जैसे कि मैंने 10 पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं इसे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद हमारी पिक्चर्स इधर आ चुकी हैं। उसके बाद हम इस पिक्चर का जो इसको सबसे पहले आपने पिक्चर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने चेक कर लेना कि आपकी पिक्चर फुल स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं। तो अगर नहीं आ रही तो आपने इसको दो फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से आपने जूम कर लेना ताकि आपकी जो पिक्चर है वो आपकी फुल स्क्रीन पर नज़र आ जाए। तो मैं तमाम पिक्चर का जो साइज़ है वो मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से और फुल साइज़ इसे कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने तमाम पिक्चर का साइज स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक कर दिया, उसके बाद आपने इस दो पिक्चर के दरमियान में आपको ब्लैक कलर की ब्लैक निशान और वाइट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपने स्क्रॉल करते जाना और यहाँ से आपको मिल जाएगा ब्लैक फीड वाला। तो आपने ब्लैक फीड अगर यूज़ करना चाहते हैं ब्लैक फीड कर लेना है, आपने वाइट फील्ड वाला यूज़ करना चाहते तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। और इसका जो आपने ड्यूरेशन है वो आपने बढ़ा देनी और फुल कर देनी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके कर देना। और इसके बाद आपने एक और काम करना, अगर ये सारों पे लगाना चाहते हैं आप तो आपने वो सारों पे लगाने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई टू आल। तो आपने यहाँ क्लिक करना है, ओके करना है और तमाम पिक्चर्स के ऊपर ये शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऐड हो गया। इसके बाद हमने पिक्चर का जो साइज़ है वो वीडियो के साइज़ के मुताबिक जो साउंड है उसके मुताबिक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उसे हमने 0.5 पे कर देना है कुछ इस तरीके से, यहाँ आपने छोटा कर देना। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपने दो फिंगर की मदद से इसे जूम कर लेना ताकि ये आसानी से आप इसे कर सकते हैं। 0.5 कर लेना। सेकंड पिक्चर को आपने 0.4 कर देना। तो साइड पे आपको यहाँ पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी जो वीडियो है उसकी जो पिक्चर का साइज़ है वो इस पिक्चर के से देख के आपने सेट कर देना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं तमाम पिक्चर का जो साइज़ है वो साउंड के मुताबिक यहाँ ओके कर देता हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि हमारी पिक्चर्स का साइज़ हमारा ओके हो गया, उसके बाद पिक्चर के ऊपर आपने एमिनेशन लगानी है। तो पिक्चर पे एमिनेशन लगाने के लिए आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा एमिनेशन का, एमिनेशन में जाना है, कम्बो में जाना है। तो यहाँ आपको बहुत से इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, आपने पेंडुलम लगाना है, जो भी लगाना चाहते हैं आपने वो लगा देना है कुछ इस तरीके से और इसे ओके कर देना है। सिंपली आपने तमाम जो पिक्चर्स हैं उनको सिलेक्ट करते जाना है और उसके ऊपर एमिनेशन को ऐड करते जाना है। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ और इसके बाद आपने ऊपर वाली पिक्चर को ऐसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, अपने एमिनेशन को स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने के बाद फिर से आप एमिनेशन को यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पर क्लिक करें, नेक्स्ट पिक्चर पर, उसके बाद आप एमिनेशन ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं तमाम पिक्चर के ऊपर एमिनेशन लगा देता हूँ। इसके बाद आपने एमिनेशन में जाके अगर आप कम्बो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर लेना, अदरवाइज़ अगर आप इन वाला यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ऐड करना है और फुल कर देना, तो आपकी जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके से अब नज़र आएगी। आपने एमिनेशन का लगाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तमाम पिक्चर्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारी तमाम पिक्चर्स के ऊपर एमिनेशन ऐड हो गई हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट वाली जो वीडियो है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट
ऑडियो, तो यहाँ से आपने इसके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने यहाँ नीचे आपको साउंड मिल जाएगा, आपने उसे सेलेक्ट करना है और इसको अपनी जो पिक्चर के नीचे आपने स्क्रॉल करते जाना है और लास्ट वीडियो तक आपने इसको स्क्रॉल करके लेके जाना है आपने कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आपने सेट कर देना, तो आपकी जो वीडियो है वो तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। वीडियो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ एरो का निशान मिल जाएगा और वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।